Hello guys, welcome to in दोस्तों ये कहानी एक ऐसे इलाके की है जिसको अपनी स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपनी जीजा को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है देखिए आज की इस कहानी में तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड वुमेन थी उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बेनी नाम एक लेकिन का एक हैंडसम शरारती हरकतें लड़का भी पढ़ता था जो लाना की क्लास में पढ़ते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था माओ जैसे वो लाना को प्यार करने लगाओ ये देख कर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है उसे समझ में नहीं आता की वो बेनी से कैसे डील करे क्यूँकी वो उसका सिर्फ एक था कभी कभी तो बेनी लाना के इतना करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता था इसलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी वो जितना हो सकता उतना दूर से रहने की कोशिश करती एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुँच कर अपने सभी को टेस्ट पेपर मारती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है तभी वो नोटिस करती है की बेनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी किताब देखे जा रहा है लाना उसको इग्नोर करके दूसरी तरफ देखने लग जाती है क्लास के बाद वो अपनी बेटी वादा को स्कूल से लेने जाती है बादशा उसे हद करके बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था इस पर लाना हंसने लगती है फिर वो बादशाह को कार में बैठाती है कि तभी उसकी नज़र बेनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को ठहरा रहा था वो थोड़ी देर बेनी को देखने के बाद कार ड्राइव करके चली जाती है अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जब मई क्लास में प्रेजेंटेशन देती है तभी लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी लाना उन्हें वार्न करते हुए फोन को अपने बैग में रखने को देती है पर वो लोग नहीं सुनती तो लाना उनसे उनका फोन मार देती है और कहती है की वो क्लास के बाद उनका फोन लौटाएगी इस पर वजना की लड़की लाना को फोन देते हुए उसे एक गंदी चौड़ा कहती है जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है वे को परेशान कर रहा था बैनी बेवरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है इतना ही नहीं वो उसकी साइकिल को भी पटक खराब कर देता है इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठी एक दूसरी टीचर के साथ बैनी के बारे में बात करती है वो उसे बताती है कि वो बेनी के बारे में क्या सोचती है और बेनी कैसा रिहेक् करता है वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि क्या राय दे तब नाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं अगले दिन क्लास के बाद लाना बेनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है वो उसे खाली क्लास रूम में ले जाती है और बैठने को कहती है फिर उसका हाल शाय जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा रख रहा है या नहीं और तो बेने उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और लाना से पूछता है कि वो उससे क्या चाहती है लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये नहीं कहती है कि उसे अपने क्लास की लौकी के साथ बुरा बदनाम नहीं करना चाहिए था तो उसे समझाते हुए वो उसके घुटने आरोप हाफ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए बेनी उसके हाफ की तरफ देखता कर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है बेनी कहता है की उसे नहीं लगता कि वो सच मुझे उसकी हेल्प करना चाहती है, कर है। नाना कहती है की उसे उसके फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था नाना की बात सुनकर बेनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उससे क्या चाहती है नाना को कोई जवाब नहीं सोचता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चले जाती है लेकिन जाने से पहले बेरी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे आधी सुबह दौड़ने के बाद वो सांस लेने के लिए एक जी के पास रोक जाती है सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है की बेनी का बैग जमीन पर पड़ा था वो आसपास पास नजर दौड़ाती है की कोई उसे देख तो नहीं रहा फिर वो बेनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सुनती है और वापस बैग में रख देती है फिर दरवाजा खुलने की आवाज़ सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुक कर न से पानी पीने लगती है इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बेनी को देख कर हो जाती है बेनी उसके बाएं आम को पकड़ लेता है और उसका हाथ हटा लेती है पर बेनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर उसकी गर्दन पर किस करता है वो उसकी बहु में खो जाती है पर तुरंत होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है वो बेनी से कहती है कि वो आप से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मरती है बेनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है और लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती अगले दिन स्कूल के हॉल में बेनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है पर तो वो मेरे ऐसी इनकार कर देती है बात करते हुए वो लोग उसकी तरफ चले जाते हैं नाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है और बेने से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है की उसकी कार का साइड मेवर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैचे हुए थे फिर वो कार में बैठ कर रश लेने के लिए उसकी स्कूल जाती है जहाँ बैठ कर वो बोर हो रही थी सीन शिफ्ट होता है और हम लारा को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते है उसका पूछता है कि उसकी कार और स्क्रैच कैसे लगा तो वो कहती है की वो एक लैम्पोस्ट से टकरा गई थी पूछता है कि लैम्प पोस्ट ऐसी इस तरह के स्क्रैच कैसे हो सकते हैं तो वो कहती है की कभी कभी ऐसा होता है फिर वो लाना ऐसी कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जा पाए अगले दिन लारा क्लास में अपने स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कोई सवाल करना है इस पर बेनी हाथ उठाता है उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है क्योंकि उसने उसे हेड मिस्ट्रेस के पास जाते देखा था उसके बाद तो कोई क्लास हंसने लगती है तब तो नाना कहती है कि वो हेड मिस्ट्रेस को उसकी रिपोर्ट करेगी इस पर बेनी कहता है कि लाना को हेड मिस्ट्रेस के तवरे छाटना पसंद आए उसकी बात पर तो लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लास रूम के बाहर फेंक देती है और उससे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी इसी बीच एक का बोर्ड की तरफा का फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है ये देखियो लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चेयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना दर बार वो पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार लगता है पर जब भी लाना फोन उठाती है तो उसी तरह से कोई नहीं बोलता अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बेनी को क्लास में केला बैठा देख कर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं रख रही इसके बाद वो घर चली जाती है रात को डिनर बनाते समय वो और उससे पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही अगले दिन वैशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुक कर एपल खाने लगती है फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग देखती रहती है अचानक उसकी नजर बेनी पर पड़ती है उसे वहाँ देख कर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है बैनी लानों से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था इसे स्कूल जाना चाहता था फिर वो उसके मौसम को छूने के लिए आगे बढ़ता है लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसे दो बार किस करने की कोशिश करती है पर बेनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है उस वाफ लाना को बार बार बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे धू गई है और वो घबरा कर जग जाती है अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुपा कर लाती है और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोर्ट में रख देती है अगले दे दिन लाना बेक रूम में बैठे दूसरी टीचर ऐसी बात करते हुए देखती है की कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़ कर कहने नहीं चाह रहे थे दोस्तों आगे बनने से पहले आपसे गुजारिश है की अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज अपने बॉलीवुड इंजॉय हिंदी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस मिलती रहे अब एक बहनी को स्कूल ऐसी निकाल दिया जाता है उसके जाने के बाद नाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बताए हुए पलों को याद करती है एक दिन नाना और आशा एक बुक जाते हैं राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था पर वहाँ जाकर आशा कपड़े से बना हुआ एक जानवर लेने की जिद करने लगती है और नाना उसे मना कर देती है थोड़ी तो देर में आशा कहीं गायब हो जाती है नाना उसे ढूंढने लगती है और पैतालीस मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी फुटेज दिखाने को कहती है सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था फिर वो राशा कुछ दूर बाहर निकलते देख कर पैनिक हो जाती है पर तभी उसे वार्ता फोन आता है की राशा उसके साथ घर पर है ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांग कर घर चली जाती है वो साथ जब उसका प्रवास हो रहा होता है तो उसे बार-बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है जो उसका भ्रम था वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज़ शांत हो जाती है फिर वो दरवाजा नॉक करके इमेजिन करती है कि वो बेनी के साथ इंटीमेट हो रही है सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वॉर के जाने से उसका सपना टूट जाता है वॉर और लाना एक दूसरे को हक करते हैं और इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बेनी के घर पहुँचती है वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क करके बेनी का वेट करती है और जो वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहाँ पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बेनी के स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है की बेनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी यहाँ तक की उसकी जान भी ले सकती थी और यही पर मूवी खत्म हो जाती है